हमारे घेवर पूरी तरह से बनके तैयार हैं, क्योंकि चल रहे हैं सावन, तो आज मेरा मन हो गया कि मैं घेवर बनाऊं। और ये घेवर देखिए कितने परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। बना रही हूँ घेवर, और मैं घेवर के बैटर को बनाऊंगी मिक्सी के जार में। तो मैं सबसे पहले लूंगी घी, और ये मैंने चौथाई कप घी लिया है, और मैं इस जार में डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी आधा कप ठंडा पानी। देखिए घी बटर की तरह हो गया है, एकदम सॉफ्ट। अब हम इसमें ये हाफ कप दूध डालूंगी, और ये दूध रूम टेम्परेचर वाला है। अब मैं इसको चेक करूंगी, देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी, और ये 2 कप मैदा लिए मैंने, इस कप के बराबर, और मैं थोड़ी कर करके डालूंगी। मैं मैदा को इस तरह से कर दूंगी नीचे की तरफ, जिससे कि ये घोल हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसमें सारी मैदा डाल देंगे। अब मैं ये 1 कप पानी डालूंगी, और ये पानी नॉर्मल है, ये ठंडा नहीं है पानी। और मैं फिर से एक बार इसको पीसेंगे। अब मैं एक बार फिर से चेक करूंगी, अभी हमारा बैटर काफी थिक है मैदा का। अब मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी। अब मैंने ये ठंडा पानी लिया है, तो मैं 1 कप अभी डाल दूंगी। अब मैं फिर से इसको चलाऊंगी। अब मैं फिर से 1 कप ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब हमारा बैटर बनके तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है, एकदम से चिकना। और हमें ऐसा ही बैटर चाहिए घेवर बनाने के लिए। देखिए ये एकदम परफेक्ट बैटर है। और बैटर बनाने के लिए मैंने 2.5 कप ठंडा पानी यूज किया है, और 1 कप नॉर्मल पानी यूज किया है, और 1/2 कप ठंडा दूध यूज किया है, 1/4 कप घी मैंने लिया है, और 250 ग्राम के करीब मैदा थी मेरी। और मेरा ये बैटर एकदम से परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब मैं घेवर बनाना शुरू करती हूँ। मैं घेवर को इस भगोने में बनाऊंगी, और मैंने इसमें 1/2 तेल और 1/2 घी डाला है, और हम इसको खूब ज्यादा तेज गर्म होने देंगे। और मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, इस बैटर को मिक्सी के जार में ज्यादा ना फेंटें, नहीं तो हमारे घेवर अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है, देखिए हल्का सा धुआं उठ रहा है। और घेवर सेंकने के लिए ऑयल हमेशा तेज गर्म होना चाहिए, हाई हीट पर। अब मैं 1 चमचा बैटर ले रही हूँ, और मैं इसको दूर से और ऐसे अब मैं फिर से वैसे ही डालूंगी। थोड़ी थोड़ी देर में डालें। फिर से मैं डालूंगी। जब इसमें ऐसे बबल्स बने तब रुक जाए। अब मैं आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी, बस इतना। और चाकू की मदद से इसके जो किनारे पे लग गया है उसको मैं निकाल दूंगी बड़े आराम से। और अब हम इसको सिकने देंगे। देखिए हमारा घेवर इतने अच्छे से घूम रहा है, और इस तरह से इसको हल्के हाथों से इस तरह से सेंकें, और इसको ज़्यादा ना दबाएं, और मीडियम आंच पर सेंकें। अब घेवर सिक्के तैयार है, तो मैं इसको इस तरह से नरम हाथों से निकालूंगी, क्योंकि ये गरम गरम बहुत ही नरम होते हैं, एकदम सॉफ्ट। देखिए हमारा घेवर एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, और जाली इसमें कितनी अच्छी आई है। और मैं एक दूसरी स्पून की मदद से, और इस तरह से मैंने जाली पे वो रख रखा है, तो मैं इसी के ऊपर इसको आराम से रख दूंगी, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। और देखिए हमारा घेवर
कितना अच्छा सिका है, उसमें जाली कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम बाकी के घेवर भी उसी तरह से सेंक लेंगे। मेरे दोनों घेवर सिक्के तैयार है, इसको मैंने अलग कर दिया था और ये भी। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे अच्छे से। अब मैंने गैस पे पैन रख दिया है और मैं घेवर के लिए बना रही हूँ शुगर सिरप। तो मैं एक कप चीनी ले रही हूँ और आधा कप पानी डालूंगी मैं, और मैं फ्लेम को मीडियम ही रखूंगी। और अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे पूरी तरह। चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और हम इसको 4 से 5 मिनट तक बॉईल करेंगे, क्योंकि घेवर के लिए मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाशनी बनाऊंगी। अब मैं इसमें 1 से 2 चुटकी इलायची पाउडर डालूंगी और मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो मैं अपनी चाशनी को चेक करूंगी। देखिए निगाढ़ी हो गई है और ठंडी होने के बाद मैं इसको चेक करूंगी। देखिए इससे एक तार बनने लगा है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद। मैं बना रही हूँ घेवर के लिए रबड़ी और मैं इंस्टेंट रबड़ी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है 1 कप भर के, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी पिसी हुई और मैं 1 कप दूध ले रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कर करके डालूंगी और मैं मैसर की मदद से इसका घोल बना लूंगी। अब मैंने गैस पे वही पैन रख दिया है और मैं ये रबड़ी का घोल इसमें डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। देखिए हमारी रबड़ी कितनी थिक हो गई है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और मैं इसको बराबर चलाती रहूंगी, नहीं तो हमारी रबड़ी नीचे लग जाएगी। रबड़ी बनके तैयार है तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और मैं उसके बाद भी इसको चलाती रहूंगी थोड़ी देर। और ये अभी आपको ऐसी लग रही है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये काफी थिक हो जाती है। करूंगी सबसे पहले मैं घेवर के ऊपर चाशनी डालूंगी। घेवर के ऊपर ये रबड़ी लगाऊंगी। अब मैं ये मैंने बादाम को इस तरह से चॉप कर लिया है, मैं बादाम इसके ऊपर डालूंगी और ये पिस्ता की कतरन ये भी मैं इस तरह से डालती जाऊंगी। अब मैं इसी तरह से दूसरा वाला भी घेवर तैयार। देखिए हमारे दोनों घेवर कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं और ये अब पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारे घेवर की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।